दो दोस्तों को रील बनाना पड़ गया भारी। जी हाँ, ट्रेन के आगे दो दोस्त बना रहे थे रील, ट्रेन आई पीछे से, कट गए दोनों के शव। इस तरह की एक दर्दनाक खबर साथियों निकलकर सामने आ रही है बिहार के खगड़िया से। आपको बता दें कि दोस्तों इस तरह की भूल आपकी जान ले सकती है, कृपया इससे सतर्क हो जाइए, ऐसा कभी ना कीजिएगा। जी हाँ, ये किस खबर, बिहार की खगड़िया में रेलवे ब्रिज पर रील्स बना रहे दो दोस्तों की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। तीसरे दोस्त ने रेलवे ब्रिज से सूखी नदी से कूद कर अपनी जान बचाई। जी हाँ, तीन दोस्त बना रहे थे रील और बता दें कि तीसरा गंभीर रूप से घायल है। हादसा 1 जनवरी को हुआ है, नए साल के दिन। तीनों की उम्र 16 से 19 के बीच थी। हादसे में घायल अमन ने बताया कि मैं सोनू और नीतीश नए साल पर धमारा घाट स्टेशन के पास माँ कात्यायनी मंदिर में जा रहे थे। मेन रोड पर भीड़ थी, इसलिए हम लोगों ने शॉर्ट सर्किट अपनाया और रेलवे पुल में मंदिर जाने लगे। इसी बीच सोनू और नीतीश रील बनाने लगे। इसमें तीन रील्स को इस गाने के साथ इंस्टाग्राम पर अपलोड किया। 2022 में औकात दिखाने वालों, 2023 में बचकर रहना। करीब 15 मिनट बाद फिर से रील बनाने लगे। तभी उसी ट्रैक पर दूसरी तरफ से ट्रेन आ गई और कोहरे के कारण ट्रेन नहीं देख पाए। ट्रेन सोनू और नीतीश को उड़ाते हुए निकल गई। मैं कुछ दूर था, ट्रेन देखते ही मैं पुल में कूद गया। बता दें कि स्थानीय वार्ड सदस्य गुड्डू साह ने बताया कि सोनू इकलौता बेटा था। बेटे की मौत सुनकर माँ चंदन देवी की भी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नीतीश और सोनू, जिनकी बता दें कि जान की एक्सप्रेस चपेट में आने से मौत हो गई। जी हां साथियों, तीन दोस्त रील बनाते समय दो दोस्तों की मौके पर मौत, एक दोस्त घायल है जिसे अस्पताल में तुरंत मौके पर भर्ती कराया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करेगा। थैंक यू।